बोलो अष्टमी माता की जय। एक राजा का 7 लड़के और एक लड़की थी। अपना ओ अष्टमी का व्रत आया तो नंद भाभी बोली, चारे भाभी माटी खोद के ले आवांगे, लिपा पोती करांगे। तो 6 भाभी और एक नंद चली गई माटी खोदन खातर। तो भाभी बोली, नंद आम तो इतना कचर फड़ी तोड़ लियावा, तू इतना माटी खोद ले। बोले ठीक है भाभी जाओ। वहीं 6 की 6 भाभी तो फड़ी कचर तोड़न चली गई। अरे वह नणंद अपना माटी खोद गई, खोद दी गई सारे ताहड़े पर दिरी, शिव माता के अंडे ठंडे कर दिरी। अपना आएगी भाभी तो इतने में तो बोली, अरे नणंद खोद ली गई माटी भर लिए ताहड़े। बोले हाँ भाभी, मन तो खोद कर ना भर लिए सारे ताहड़े ठह लो, चलो चलेंगे। अपना भी वे ठाण लग गई। उन्हें शिव माता ने तो फट बाँ पकड़ी उसकी, बोले न्यूकड़े जाओगी मेरे अंडे सारे ठंडे करके ना। बोली बोले के बात है, बोला सारी माटी खोदी मेरे अंडे ठंडे कर दिए, आज के दिन कोई भी माटी को नहीं खोदता। तो वह बोली बोले इब की करा, बोला इसकी कूख देनी पड़ेगी। मैं कही उसकी बाप भी बोली, आए इसकी कूख देवांगे तो सासू घर में नहीं पड़न देवेगी। छोटी तो बोली तू दे दे, बिचली तो बोली तू दे दे, दोनों नट गई। बड़ी भाभी बोली बेबे मन तो देनी पड़ेगी, नहीं तो बोले फिर सासू घर में नहीं पड़न देवेगी। अपना बड़ी बहू बोली, शिव माता मेरी कुख ले ले, इसने छोड़ दे। अपना वे बड़ी माता की बड़ी बहू ने बड़ी बहू की कुख ले ली शिव माता ने। घर आया के देखा उसके तो आलने के आलने पालने के पालने सारे बाल ठंडे हो रहे, ठंडे हो रहे। तो अपना वह बोली बोले ओहो ये तो बड़ा जुलम होया, इब के करूँ। ऐ के कोई थी बेचारी भाग वाली, उसने बताया बोले न्यू ज्ञान कर, तू बियाबान जंगल में एक लंगड़ी गऊ है तो उसकी सेवा कर का कर जाए कने। बोले ठीक से भी भेवा तो सवेरे जानी अरे श्याम नहाँदी भी उनके तला को लीप कानी, सारा को उसने घास घूस घेर कानी, पानी प्या कानी, ऐ उसकी पूरी सेवा करी। अपना पूरी सेवा करी तो 1 साल बीत गया। गौ माता ने सोची इतने बियाबान जंगल में कौन आवे है जो कोई भी नहीं दिखता, दूर दूर भी आदमी। एक दिन उन्होंने ओट मोह के देखा, बोले ओहो ये तो राजा के लड़के की बहू है। एक दिन आया करने वाला की सेवा करना, फट दे गौ माता आई घूमती घूमती। बोले तू यूँ किस तरह इतने बियाबान जंगल में? बोले जी किसी ने मेरे तो बताई है भी तेरी धर्म बहन हुआ शिव माता है, अरे तू है मेरी कुख दुआ सके है। इन्होंने मेरे नंद पे उसके अंडे सारे ठंडे हो गए थे, फिर मन्ना अपनी कुख दे उस तह। बोले वे एक बचन दो बचन तीजे बचन तारू तो नहीं आ रही बनू है, अरे मन्ना तो बेबे तेरी वचन निभाना पड़ेगा। है कि वह बोली तो निज्ञान करिए ओ अष्टमी वाले दिन आइए बेबे, मैं चलूँगी भी तेने लेकर न। अपना ओ अष्टमी का व्रत आ गया बेबे। अपना वह तो फिर गौ माता के पास गई, गई तो अपना गौ माता बोली चल बेबे चल लाँगे मेरी धर्म बहन दौरा शिव माता दौरा। कि आगे आगे गौ माता पास पछा वाह कुंडी खड़का दी, कुंडी खड़का दी तो बालकर कुंडी खोल दी, कुंडी खोल दी तो आइए बेबे आइए बेबे आज कुकर आने हुए। वह बोली तो ज्ञान करिए पहले समझाया थी गौ माता ने। बोले मैं तो उसके लिए बतलाऊँगी शिव माता के लिए, तू ज्ञान करिए उसके सिर में पछे जूम टोड़ लग जी। बोले ठीक है। अपना गौ माता तो जाकर अपना बैठगी, बैठगी तो अपना पछे तो वह शिव माता बैठगी लेगा पिड्डा। राजा के लड़के की वो पछा जाकर ना उसके सिर में हाथ मारने लग गई। वह बतलाते उन्हें शीश दे दिया। बोले ए सिली सपूती हो बुढ़ सुहागण हो तेरे पेटड़े ठंड पड़े। गौ माता फट दे बोल पड़ी, बोले ऐसी वो माता पेटड़े के ठंड पड़े, तने तो इसके सारे ठंडे कर रखे हैं, पाछे मुड़ कर देखने लगी। तो बोले राजा के लड़के की बहू है। और गौ माता तो बोली आए तने बड़ा जुलम कर, बोले अपने बहन जा बहन जी तने भूडे लग गए, तने राजा के लड़के की बहू सही लग गई। बोले ना वे बेबी तो तने बचन दे रखे शिव माता, इसकी कुख तने देनी पड़ेगी। अपना बेबे उसने शिव माता ने उस राजा के लड़के की बहू की कुख दे दी। बोले जा बेबे आशीर्वाद दे दिया, जा बेबे तेरे ठंडी शेड़ी रहो अपना, अरे तेरे सही हो जाएंगे बालक। वह तो गौ माता ने लेकर ना फिर उल्टी घर आएगी। घर आया के देखा तो उसके तो पालने के पालने झूला आंगन में खेल बालक खेलते फिरन लग रहे। अपना उन्हें तो बे नहा धोकर ओ अष्टमी का व्रत कर लिया, उजमण करने लग रही। उसकी सासू बोली जाए रोई सदरोई तन नून की डली तेल की फड़ी दिया, नहीं तो अपने बहू बेटे पर सांस घर लगी वा पोता पोतिया पै बांधी गई देन। आगे देखा तो बेबे उन्हें तो उजमण कर रखे हो अष्टमी का, लाया करिए अपना कहानी सुनने की तैयारी करना।
बांदी तो देख कर उल्टी चली गई। बोले रानी जाकर देखते रही बहुत उजमन कर लह गए। बोले हाँ उजमन किसका करे है, उसके तो सारे ठंडे हुए पड़े हैं। बोले ना रानी जाकर देख तू अपना भी ब्याह का। रानी पास पास बांधी चली गई। चली गई तो घर में पड़ दे अपना बहू ने तो पैर पकड़ लिए। बोले ए बेटी इन कुकर कोख मिली तेरी बताया तो दे हमने। बोले मन तोरी जी सवा साल गौ माता की सेवा करी लंगड़ी गौ माता की, और गौ माता ने मेरी कोख दुआई है हैं, और अष्टमी ने मेरी कोख दोबारा दे दी। तो इन्हू बोलिए बेटी बड़ी भागाली हैं। फिर सासू ने कहानी सुनाई। कहानी सुनाया कर नबाणा कैट कर दिया सासू ते। इसी हो अष्टमी पे ब्याह मनाई, इसी सब नाई हो। राम राम सब ने।